गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत सुधा के 15वें अध्याय अहम सायंकालिक क्रीडामी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के बारे में बताया गया है। सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक, जिसके कारक चिन्ह हैं में, पर। सबसे पहले पाठ का हिंदी अनुवाद। त्वं कुत्र क्रीडसि, तुम कहाँ खेलते हो। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडामि, मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ। त्वं कदा क्रीडसि, तुम कब खेलते हो। अहम सायंकाले क्रीडामि, मैं शाम में खेलता हूँ या शाम के समय खेलता हूँ। रमेशस्य जनकः उद्याने गच्छति, रमेश के पिता उद्यान में जाते हैं। उद्याने जनाः भ्रमणं कुर्वन्ति, उद्यान में लोग घूमते हैं या भ्रमण करते हैं। उद्याने वृक्षाः सन्ति, उद्यान में वृक्ष हैं। उद्यान अर्थात उपवन। नगरे उद्यानम आवश्यकम्, नगर में उद्यान आवश्यक है। वायुयानम आकाशे गच्छति, वायुयान आकाश में जाता है। वायुयाने जनाः सन्ति, वायुयान में लोग हैं। ते देहली नगरे वसन्ति, वे दिल्ली नगर में रहते हैं। वायुयान अर्थात हवाई जहाज। रमेशः विदेशे निवसति, रमेश विदेश में रहता है। सः अमेरिका देशे निवसति, वह अमेरिका देश में निवास करता है या रहता है। न्यूयॉर्क नगरे कार्यं करोति, न्यूयॉर्क नगर में कार्य करता है। अधुना देहली नगरे वसति, इस समय दिल्ली नगर में रहता है। एतत् चित्रं शोभनम् अस्ति, एतत् मीन्स यह चित्र, शोभनम् अच्छा है, यह चित्र अच्छा है या सुंदर है। चित्रे तव जनकः अस्ति, चित्र में तुम्हारे पिता हैं। चित्रे तव अम्बा अपि अस्ति, चित्र में तुम्हारी माता भी हैं। तव मीन्स तुम्हारी। चित्रे परिवार सदस्याः सन्ति, चित्र में परिवार के सदस्य हैं। सरोवरे नौकाः सन्ति, सरोवर में नावें हैं। विवेकः सरोवर तटे भ्रमणं करोति, विवेक सरोवर के किनारे घूमता है या भ्रमण करता है। सरोवरे तरणम अपि करोति, सरोवर में तैरते भी हैं। तरणम मीन्स तैरना, अपि मीन्स भी, सरोवर में तैरते भी हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज। सबसे पहले सप्तमी विभक्ति के प्रयोग को रेखांकित कीजिए। वृक्षाणाम कोटरेशु खगाः वसन्ति, इसमें कोटरेशु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अहम आसने उपविशामि, आसने। मयूराः उपवने नृत्यन्ति, उपवने। वर्षा काले मेघाः गर्जन्ति, वर्षा काले। सरोवरस्य जले मत्स्याः तरन्ति, जले। सरोवरस्य जले कमलानि सन्ति, जले। वृक्षाणां कोटरेषु खगाः वसन्ति, कोटरेषु। तापसाः आश्रमेषु वसन्ति, आश्रमेषु। इन सभी शब्दों को आपको रेखांकित अर्थात अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, वृक्षेषु पुष्पाणि विकसन्ति। नेक्स्ट, आकाशे मेघाः गर्जन्ति। थर्ड, पात्रे दुग्धम अस्ति। फोर्थ, कूपे जलम नास्ति। फिफ्थ, विजयः छात्रावासे वसति। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, मम मित्रं ग्रामे निवसति, अहम् छात्रावासे वसामि। बालिका विद्यालये पठति, सरोवरे नौकाः सन्ति, यूयं क्रीडांगणे क्रीडत। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए और वाक्य बनाइए।
फर्स्ट चिकित्सालये चिकित्सकः भवति, न्यायालये न्यायाधीशः भवति, विद्यालये अध्यापकः भवति, पत्रालये पत्रवाहकः भवति, छात्रावासे छात्रः भवति, सरोवरे नौका भवति। इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। थैंक यू।